दोस्तों सब्सक्राइब करिए बाबा रिस चैनल को बेल बटन के साथ ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने कंफर्म किया है कि वो एक नया विंडोज का वर्जन लॉन्च करने वाले हैं 24 जून को। दोस्तों एक वर्चुअल इवेंट के थ्रू विंडोज 11 एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया जाएगा। एक मैसिव लीक से पता चला है कि विंडोज 11 में रीडिजाइन स्टार्ट मेनू है और विंडोज एप्लीकेशन स्टोर में एकदम नया इंटरफेस दिया गया है। दोस्तों इसका स्टार्ट मेनू काफी सिंप्लीफाइड डिजाइन में नजर आ रहा है जहां पर आप एप्लीकेशंस को पिन कर सकते हैं, रीसेंट फाइल्स देख सकते हैं, शटडाउन रिस्टार्ट के ऑप्शंस है। ये पिछले विंडोज 10 की तरह इसके अंदर बाय डिफॉल्ट लाइफ टाइल्स आपको स्टार्ट मेन्यू में नजर नहीं आएंगे। दोस्तों इसमें यूजर इंटरफेस एकदम क्लीन है और इसमें जो है ऐप आइकन्स को रीडिजाइन किया है और राउंडेड कॉर्नर्स भी दिया गया है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 में गेमिंग का खास ध्यान रखा है। इसमें आपको इम्प्रूव्ड एक्सबॉक्स एक्सपीरियंस मिलेगा विद क्विक एक्सेस टू गेम पास, एक्सबॉक्स नेटवर्क, एक्सबॉक्स स्टोर। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज विजेट्स को इस नए वर्जन में इंक्लूड किया गया है। इसे आपको क्विक एक्सेस मिल जाएगा, अलग अलग विजेट्स आप यूज कर सकते हैं जैसे क्लॉक, वेदर, कैलेंडर्स, कैलकुलेटर्स, सीपीयू मॉनिटर और कई सारे विजेट्स आपको इस वर्जन में आप देखने मिलेंगे। दोस्तों हो सकता है कि विंडोज 11 हमें एक फ्री अपग्रेड की तरह मिल जाए। जो यूजर विंडोज 10 यूज करें उन्हें एक फ्री अपग्रेड करके विंडोज 11 आप इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों विंडोज 11 के लिए हम सब काफी एक्साइटेड है। ये 24 जून को लॉन्च होने वाला है। लॉन्च होने के बाद मैं आपके साथ इसके सारे टेक्निकल डिटेल्स शेयर करूंगा। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे आने वाली इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अपनी हेल्थ का ख्याल जरूर रखें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।